हिरण भाई, जिस तरीके से हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखकर नवरात्रि के आयोजन में क्या सुविधा इस बार रहेंगी? हार्ट अटैक तो शायद अभी कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग तो बहुत टाइम पहले से ही ये सब चीजों को प्रिपेयर करके चल रहे हैं। सत्वा हॉस्पिटल करके हमने पूरा उनके साथ एक टाइप किया हुआ है, जिसके अंदर पूरा एक आईसीयू का हॉस्पिटल और एक पूरा एम्बुलेंस यहीं तैनात ही रहेगा 24 आवर्स, ताकि यहाँ पे कुछ भी होता है तो उनको यहीं से ट्रीटमेंट मिलेगी। प्लस वो लेवल के डॉक्टर उनके साथ है, उनके जो कंपाउंडर और सब, जो पूरे 8 लोगों की टीम हमने हायर की हुई है, और वो लोग यहाँ से जीवन जरूरत की दवाइयाँ जैसे बीपी है, शुगर है, या जो भी रोज लेनी पड़ती दवाइयाँ, वो यहाँ पे भी हम फ्री में अवेलेबल रखते हैं और फ्री में ही देते हैं। इसके अलावा बेसिक कुछ उनको यहाँ इंसिडेंट होता है या किसी को छोटी मोटी चोट लगती है तो वो बेसिक जो उनको किट चाहिए वो किट भी हम यहाँ अवेलेबल रखते हैं। और खास करके एक ट्रेनिंग होती है पंपिंग वगैरह देने की, तो क्या आप अपने स्टाफ को भी वो ट्रेनिंग दिलाएंगे? नहीं, इसके लिए ही हमने जो ये सत्व हॉस्पिटल करके पूरा टाइप किया है, वो वेल ट्रेन जो स्टाफ है, समझो कि मेरा आदमी को मैं ट्रेन करूंगा और वो प्रॉपर कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन जो डॉक्टर जो वेल मेंटेन है, जो उसके लिए प्रिपेयर है, वही टीम हमने यहाँ तैनात रखी है, ऑलरेडी रखी हुई है। और जो गरबा खेलने आएंगे उनके लिए भी कोई सूचना वगैरह होगी? तो जो गरबा खेलने आते हैं उन लोग, मेरे वहाँ 5 साल से ये फैसिलिटी है, ऑलमोस्ट यहाँ मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन काफी लोगों को पता है कि हमारे वहाँ ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है।